हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज मैं तुम्हें जो एमसीक्यूस कराने वाला हूँ हंड्रेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूरे के पूरे अकाउंट्स के सिलेबस के एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा हर एक टाइप का क्वेश्चन क्लास हम लोग इसके अंदर रख रहे हैं तो इतना कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद पूरी की पूरी हंड्रेड एमसीक्यू बनाने के बाद आपका क्लास ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी आराम से आ जाएगा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा तो एक एक करके हर एक एमसी देखते हैं समझते हैं और किस टाइप के थियोरी न्यूमेरिकल हर कुछ यहाँ पे कवर है तो आप भी वीडियो पॉज करके ना खुद भी ट्राई करना बनाने का ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास आपके अच्छे नंबर आए ठीक है थेके? तो स्टार्ट करते हैं क्लास सबसे पहला आज हम कोशिश करेंगे फोर्टी एमसी कवर करने की बाकी क्लास कल हम लोग बाकी सिक्सटी एमसी कवर कर लेंगे और पूरे सौ एम जो आपसे सही बन गए उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो सही ना बने ना उसको घर पर एक बार बनाना आप फिर से लिख के रखना इस क्वेश्चन को हाँ इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगा था ये पॉइंट लगा था ताकि आपको क्लास एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो सबसे पहला क्वेश्चन आदिल भव्या और कृष पार्टनर है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्लास इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आदिल भव्या और कृष पार्टनर है इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10 4/10 और 1/10 क्रिश गिवन गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर विल नॉट बी लेस देन फाइव थाउजेंड क्रिश इज गिवन गारंटी क्रिश को गारंटी दी गई है कि हर साल का प्रॉफिट उसका पांच हजार का होगा डेफिशियंसी इन प्रॉफिट शेयर क्रिश विल बी बोर्न बाई भव्य जो भी क्रिश का प्रॉफिट शेयर में कमी पड़ रही होगी वो कौन बियर करेगा भव्य बियर करेगी दर्डी रिकॉर्ड द डेफिशिय मेड बाई भव्य इज गिवन

का प्रॉफिट का गारंटी दिया था डेफिशिएंसी हजार रुपए की है तो यानी पहले चार हजार आ रहा होगा और क्रिश का हिस्सा कितना है क्लास यहाँ पे थर्ड पार्टनर वन बाई टेन तो उल्टा कर दोगे टेन बाई वन तो चार हजार इंटू टेन बाई वन कितना क्लास बनेगा यहाँ पे चालीस हजार रुपए का प्रॉफिट आ गया ठीक है चालीस हजार का प्रॉफिट इन ए बी सी इसका सी ऑप्शन करेक्ट है फोर्टी थाउजेंड कितना सिंपल क्वेश्चन घुमा गया इसको देखा तो बहुत खतरनाक लगेगा भाई गारंटी दी थी पांच की एक हजार की कमी पड़ गई तो मतलब तुम्हारा हिस्सा चार हजार है चार हजार वन बाई टेन के लिए उल्टा कर दो फोर बाय टेन पूरे फॉर्म का चालीस है तीनों में क्लास बांट के देखना सी का जो आएगा वो बेसिकली कितना क्लास आएगा सी का जो चालीस हजार है अगर सी का निकालोगे तो आप वन बाय टेन चार आएगा डिफिशियंसी हजार की टोटल गारंटी थी पाँच की हो गया खत्म तो पहले का हो गया सी दूसरे का द टर्म नंबर ऑफ ईयर परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्लास मतलब क्या होता है द नंबर ऑफ ईयर ड्यूरिंग विच परचेस गुडविल एक्सपेक्ट दैट प्रॉफिट ड्यू गुड विल आर लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर कितने साल में लगभग आप फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकते हो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर इर्चे सेकेंड का हो गया ए ठीक है और ये तो क्लास है नहीं नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल परचेज ये सब कुछ भी नहीं है क्लास ठीक है ए करेक्ट है थर्ड एक्स एंड वाई पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है थ्री रेशो टू विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2023 ट्वेंटी थ्री दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली न्यू रेशियो जो है क्लास इक्वली है ओल्ड रेशियो जो है वो थ्री रेशियो टू है गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड सिक्सटी थाउजेंडें द एडजस्टमेंट एंट्री विल भी सिंपल सी बात है आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग कौन कर रहा है सेक्रीफाइस कौन कर रहा है uh, सबसे पहले आप ओल्ड रेशियो निकालो थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव माइनस कर दो यहाँगा टेन सिक्स माइनस फाइव वन बाई 10 ये आएगा 10 uh, 4 minus 5 minus 1 by 10 ये गेन कर रहा है ये सैक्रिफाइस मैंने जो रेशियो निकाला वो रेशियो निकाला क्लास मैंने सैक्रिफाइजिंग रेशियो राइट और एक सैक्रिफाइजिंग रेशियो किसी का प्लस में है मतलब पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है माइनस में आया तो मतलब गेन कर रहा है पूरे फर्म की कुल 60000 है 1 10 करोगे तो कितना क्लास बनेगा ₹6000 एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग है ये x y 2x एंट्री क्लास होगी y के कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2x के कैपिटल अकाउंट 6000 तो तीसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है

पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पेमेंट आउटसाइड साइड लाइविटी की बात होती है बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन टू पार्टनर नहीं लोन से पहले तो आउट पहले आउटसाइड लाइबिलिटी होती है फिर लोन होती है आफ्टर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड साइड एंड पार्टनर्स लोन आउटसाइड लाइबिलिटी और पार्टनर्स लोन के बाद होती है बिल्कुल करेक्ट आउटसाइड लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे पार्टनर लोन की पेमेंट करेंगे उसके बाद जाकर कहीं क्लास पेमेंट होगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की तो सीरीज ऑफ पेमेंट ध्यान रखना कैसे कैसे किस किस को पहले पेमेंट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन एक्सिस वैल्यू ऑफ नेट असेट अगर तुम्हारे पास नेट असेट है ज्यादा परचेज कंसिडरेशन है कम यानी कि जो नेट असेट है जो तुम्हारे पास असेट्स की वैल्यू है वो दस लाख है लेकिन जो मांग रहे हो वो क्लास आप सिर्फ छह लाख ही मांग रहे हो दस लाख की असेट है छह लाख की मांग रहे हो चार लाख विल बी ट्रांसफर टू तो, क्या पांचवे का ए ऑप्शन करेक्ट है अगर यहाँ पे उल्टा होता पीसी ज्यादा नेट असेट कम तो बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू तो गुडविल Mita and Sumit are partners in a firm with a capital of 6 lakh and 4 lakh respectively. Keshav was admitted as a new partner for one-fifth share in the profit of the firm. Keshav bought 40000 as his share of goodwill premium and ten lakh of his capital. The amount of goodwill premium created to Sumit will be. Dhyan rakhna goodwill Lanik ki entry cash to premium fir entry hogi class dusri. Premium to Meeta सुमित यही है देखो यार एक, -एक मिनट मिलता है इसे करने के लिए एक से दो मिनट मिलता है करने के लिए तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन कह रहा है चालीस हजार गुडविल लेके आ रहा है चालीस हजार गुडविल लेके आ रहा है वो तो चालीस हजार गुडविल बटेगा भी तो चालीस हजार लेके आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है रेशियो ओ ओल्ड रेशियो ही गिवन नहीं है तो ओल्ड ही सैक्रीफाइसिंग के बराबर हो गया तो ये चालीस हजार जो है वो आया क्लास बीस हजार बीस हजार तो प्रीमियम फॉर अकाउंट डेबिट टू मीता टू सुमित तो सुमित के में क्लास कितना आएगा छटेगा बीस हजार ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड आई होप क्लास क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा इस क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा सौ के सौ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे देखना मजा आ जाएगा तुमक ये क्वेश्चन करने के बाद ठीक है क्वेश्चन इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स के दो अकाउंट बनते हैं कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट तो जो करंट अकाउंट है उसका डेबिट क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है लेकिन जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा या निल बैलेंस तो किसी का भी हो सकता है तो सही आंसर है क्रेडिट 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 डेबिट बैलेंस 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 और डी तो सेवेंथ क्वेश्चन डी ऑप्शन करेक्ट है यानी कि जो क्रेडिट बैलेंस या याल बैलेंस कुछ भी हो सकता है खाली क्रेडिट ही नहीं होगा क्रेडिट बैलेंस तो हो गया होगा लेकिन निल भी हो सकता है ना नील क्यों नहीं हो सकता जीरो तो हो सकता है ना दस लाख का कैपिटल लगाया दस लाख का कैपिटल विड कर सकते हैं ग्यारह नहीं कर सकते बट दस कर सकते हैं रमन राजन दो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है क्लास विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2021, इन द रेशियो राजन गेन और सेक्रीफाइस विल बी राजन अच्छा एक चीज और जनरली हम MCQ में इधर ए बी सी डी लिखते हैं तो मैं जो आंसर बोल रहा हूँ वो देखो ना ऐसा इसको बी मत समझना है। तो ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए तो माफ करना ठीक है रमन राजन दो पार्टनर से इनकी रेशियो एक थ्री रेशो वन बाद में चाहते हैं रेशियो टू रेशो वन हो जाए ड्यूटी तो चेंज प्रॉफिट राजन गेन और सेक्रीफाइस राजन का पूछना है क्लास सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल दो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो राजन का पूछा है ओल्ड है वन बाई फोर न्यू है क्लास यहाँ पे कितना वन बाई थ्री, तो ये चारती है हो गया तीन में से चार गया चारती है बारह हो गया Uh, तीन में से माइनस वन बाई ट्वेल्व कहीं का है क्लास माइनस वन बाई ट्वेल्व माइनस का मतलब क्या होता है गेन तो यानी एट्थ का ए है क्लास यानी वो गेन कर रहा है वन बाई ट्वेल्व एबीसी तीन पार्टनर नाइन्थ क्वेश्चन में आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देखो बनाने का क्या बना पाते हो कि नहीं तीन लाख है इसी कैपिटल एक लाख है सी इन्वेस्टेड एनी अमाउंट इज कैपिटल बट अलोन मैनेज द होल बिजनेस सी वॉन्ट थर्टी थाउजेंड पर एन की सैलरी दोज दो डीड इज साइलेंट फ्रॉम अन प्रॉफिट डेढ़ लाख रुपए हाउ मच प्रॉफिट इच पार्टनर रिसीव इन अप्रीवियशन देखो डेढ़ लाख रुपए का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई बात नहीं कही है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैपिलेगा सीधे डेढ़ लाख रुपए एबीसी में बढ़ जाएगा और अगर इस रेशियो में देखिए इस क्वेश्चन में इनकी रेशियो क्या है डीड इज साइलेंट फ्रॉम अन प्रॉफिट हाउ मच तो 50 50 50 आप बांट देना डी ऑप्शन है क्लास नाइन्थ का डी 50 50 50 क्योंकि रेशो इक्वल है अगर नहीं दिए तो ग्रीन ऑरेंज दो पार्टनर है ग्रीन ड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट परसेंट एट द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग छब्बीस सो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है मान लो मक्स अमाउंट विड करता है पर मंथ पर मंथ साल में क्लास बारह महीने होते हैं ग्रीन और ऑरेंज दो पार्टनर है ग्रीन ड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट परसेंट पर एनम तो इंटरेस्ट जो है इसका एट परसेंट है और यहाँ पे लिखा है कि ग्रीन ड्रॉ ऑफ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हर महीने की शुरू में एक फिक्स अमाउंट जो है वो विड्रॉ करता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आठ परसेंट पर है ना एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ग्रीन ड्राइंग छब्बीस सौ तो यार मुझे बताओ अगर कोई भी पार्टनर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो टाइम फैक्टर क्या लगता है क्लास सिक्स पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो आप इसे कैसे भी सॉल्व कर लेना, जैसे आपका दिल करे वैसे सॉल्व कर लेना तो यहाँ पे आप देखोगे ट्वेल्व इंटू एट इंटू सिक्स पॉइंट फाइव डिवाइड बाई बारह सौ तो ये हो गया क्लास जीरो पॉइंट फाइव टू और जीरो पॉइंट फाइव टू क्लास आ गया ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई जीरो पॉइंट फाइव टू ये आ गया क्लास पाँच हज़ार रुपये यानी कि वो हर महीने पाँच पाँच हज़ार रुपये करता है डी यानी हर महीने का जो विद्रॉ करने का क्लास उसका अमाउंट है वो पाँच पाँच हज़ार है तो टेंथ का हो गया डी आप कैसे भी ये आप करना छोड़ दिया इक्वेशन ये बनेगी बारह से बारह कैंसिल कर देना पॉइंट हटा के जीरो लगा देना है ना बारह से बारह कैंसिल पॉइंट हटाओ देना छब्बीस दे 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 आठ से और फिर डिवाइड दे 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 पैंसठ से सॉल्व कर लो आपका आ जाएगा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फोर रेशियो थ्री है दे एडमिटेड बीना एज ए न्यू पार्टनर नियति सेक्रीफाइस तो नियति ने सेक्रीफाइस किया वन फोर्थ फ्रॉम हर शेयर और आईसा सेक्रीफाइस वन सेवेंथ फ्रॉम हर शेयर इन द फेवर ऑफ बीना बीना शेयर ऑफ प्रॉफिट तो वन बाई क्लास ये कितना होगा सात प्लस सात चौके अट्ठाइस हो गया ये हो गया सात प्लस चार ग्यारह अट्ठाइस देख गई बी तो क्लास इलेवन क्वेश्चन का हो गया क्लास ग्यारह ऑप्शन करेक्ट है ट्वेल्व गिरधर एक पार्टनर विद्रॉ फाइव थाउजिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग ईयर इकतीस मार्च इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से तो क्वेश्चन पक्का आएगा लेकिन तुमको रेट पूछा है तो कैसे निकालोगे विदड्रॉ पांच हजार बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर साल में कितने क्वार्टर होते हैं चार होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो कितना है पंद्रह सो वो एक्स अमाउंट विड करता है क्लास साल में कितनी बार चार बार विद्रॉ करता है वट इज द रेट ऑफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज आपको रेट ऑफ रेट पूछा है मेरी बात समझना गिरधर ने पाँच हजार रुपए विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है ना आपको रेट नहीं पता मान लो लेकिन हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर विड्रॉ किया है तो टाइम फैक्टर आएगा सेवन बाई ट्वेल्व ठीक है तो ये आप कैंसिल कर दोगे यहाँ से जीरो जीरो से जीरो जीरो कैंसिल हो गया पॉइंट हटाओ जीरो लगा दो एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल कर दो तो चार एक कम चार चार तीय बारह तीन कम तीन पच्चीस तीय पिचहत्तर तो यहाँ बन गया पंद्रह सौ इज इक्वल टू फाइव इंटू एक्स इंटू पच्चीस तो पंद्रह सौ को डिवाइड दो पच्चीस पच्चे एक सौ पच्चीस है ना तो आप पंद्रह सौ को डिवाइड दे दो वन ट्वेंटी फाइव से तो बारह परसेंट आ गया तो आप चेक करो डी ऑप्शन करेक्ट है ट्वेल्थ क्वेश्चन का भी डी ऑप्शन करेक्ट है तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को मजा आएगा बनाने में दो मिनट अगर लगता है आपको तो टाइम ठीक जा रहा है एक से दो मिनट लगता है ठीक है क्वेश्चन में ज्यादा भी लगाया कोई देखते ही हो जाएगा एंथनी लिमिटेड ने इशू किया फोर्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ ट्वेंटीकेशन कितने शेयर इशू किए हैं क्लास पचालीस हजार एप्लीकेशन कितने की है पांच रुपए की अलॉटमेंट कितने की है सात रुपए की फाइनल कॉल कितने की है आठ रुपए की सब रफ कैलकुलेशन चलेगी ठीक है ये टोटल कितना क्लास हो गया बीस रुपए का एक है आगे लिखा है क्लास द कंपनी रिसीव ड्यू अमाउंट बट वन शोल्डर होल्डिंग डिड नॉट पे द अलॉटमेंट उसने अलॉटमेंट

1950 सौ पचास यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एरियर का अमाउंट पूछा है क्लास कॉल्स इन एरियर अच्छा एक काम और कर सकते हैं हम लोग थर्टीन के अंदर अब एक अब यहाँ आंसर तो हमारा आ नहीं रहा तो मेरे हिसाब से इन्होंने एक एजम्पन और लिया है देखते हैं 2000 करेक्ट 2000 ये हो गया और ये तो कितना क्लास आ रहा है अच्छा देखो जिसने क्लास अलॉटमेंट नहीं दिया ऑबियसली उसने कॉल भी नहीं दिया होगा No, ना अलॉटमेंट नहीं दिया कॉल भी नहीं दिया। प्लस आया है ना और ये हो गया ढाई सौ इन टू सात सत्रह सो पचास तो चार हजार नौ सौ डी ऑप्शन करेक्ट है देखो यार यहाँ पे एक छोटा सा जम्शन लेना है कि अगर किसी ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो ऑब्वियसली उसने फर्स्ट कॉल मंगवाया तो उसने नहीं दिया होगा अब इस डेढ़ के अंदर तो ढाई इंक्लूड हो नहीं सकता ऑप्शन आ नहीं रहा तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको पता है कि यार नहीं आ रहा उस ऑप्शन से तो ये एजॉम्शन लेना पड़ेगा दोनों नहीं होंगे ऑप्शन में इतना एग्जामिनर पागल नहीं है कि आपको ऐसी चीजों में फंसाएगा लॉजिकल चीजों में फंसाएगा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेगा खुद ही तो इसका ही हो गया डी तो उसने अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो हम मानेंगे कुछ नहीं पता तो हम मानेंगे कॉल भी नहीं दिया और ये बहुत जेनविन है कि अलॉटमेंट नहीं दिया तो कॉल भी नहीं दिया होगा हाँ अगर ये शेयर चार सौ सौ होते तो हम डाउट कर सकते थे इतने लोगों ने नहीं दिया उसके अंदर वो इंक्लूड है बट एनदर शोल्डर भी तो लिखा है वो अलग है बिल्कुल क्लास एंजल एंड सर्कल वर पार्टनर बैलेंस सर्कलर फर्नीचर दो लाख इनकी बैलेंस शीट में क्लास फर्नीचर जो है वो दो लाख का है स्टॉक जो है है वो लाख का डेटर्स जो है वो एक लाख बासठ हजार का है क्रेडिटर्स जो है वो साठ हजार के क्रेडिटर्स है स्क्वायर को एडमिट किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतनी आ गई स्टॉक वाज री एट एक लाख स्टॉक की वैल्यू कितनी क्लास हो गई अब जाके एक लाख हो गई क्रेटर्स की वैल्यू कितनी हो गई पंद्रह हजार नॉट लाइक टू बी पेड एक काम करते ना रीवल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं ठीक है सब रफ में बनाना है तो मैं कुछ सजा नहीं रहा यहाँ पे स्टॉक एक चालीस का था एक लाख हो गया चालीस हजार का स्टॉक के नाम से क्या हो गया नुकसान हो गया क्रेडिटर पंद्रह हजार का पे नहीं करना क्रेडर्स में पंद्रह हजार का फायदा हो गया ठीक है लाइक टू बी क्लेम डेटस ऑफ बीज टू थाउजेंड इन रिकवरेबल दो हज़ार रुपये डेटस डूब गए रिवॉल्यूशन में डेबिट एंड डाउटफुल डेट प्रोवाइड टेन परसेंट तो डेटस है कितने क्लास यहाँ पर एक लाख बासठ हज़ार दो हज़ार रुपये डूब गया तो बच्चा एक लाख साठ हज़ार और एक लाख साठ हज़ार का टेन परसेंट बनेगा सोलह हज़ार ये आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है क्लास सोलह हज़ार

टू का है तो यहाँ जो लॉस दिखेगा इस तरफ आता है लॉस वो कितना आएगा सिक्सटी थाउजेंड भाई एक पार्टनर का एंजल का जो लॉस है वो तीस हज़ार उसका इसवन बाई टू है तो पूरे फॉर्म का कितना होगा साठ हजार तो अगर आप टोटलिंग करोगे साठ हज़ार ये हो गया पंद्रह हजार ये हो गया तो ये कितना क्लास हो गया सेवनटी फाइव थाउजेंड ये हो गया आपका सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस करेंगे चालीस हजार माइनस करेंगे दो हजार माइनस करेंगे सोलह हजार तो सत्रह हजार रुपए क्लास आप डेबिट में आ गया तो वो फर्नीचर के नाम से ही आएगा बिकॉज गेन लॉस तो हो ही चुका है तो बोले रीवैल्यूड्यू फर्नीचर और डेबिट में आने का मतलब होता है एसेट्स का कम होना तो फर्नीचर कम हो गया तो फर्नीचर था कितने क्लास दो लाख का कम कर दो क्लास सत्रह हजार से तो मेरा आंसर आ गया वन लाख एटी थ्री थाउजेंड यानी कि फोर्टीन क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है आई क्लास बात समझ तो ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक था मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लेकिन आपको पता है ये पहले भी क्लास सीबीएसई के सैम्पल पेपर या मेन पेपर का क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन सीबीएसई के हैं अब है हालदन पार्टनर से इन रेशियो थ्री रेशिओ वन ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन द द नेट नेट क्लास इक्कीस इक्कीस एक लाख पच्चीस हजार द पार्टनरशिप रिट प्रोवाइड दॅट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पंद्रह हजार दस हज़ार है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखा है छह हजार चार हजार है अभय इज ऑल्सो इंटाइटल कमीशन टेन परसेंट ऑन नेट डिविजुअल प्रॉफिट कैलकुलेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैप अकाउंट तो पार्टनर्स कैप अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाएगा एक एक करके चीज़ों को लिखते हैं नेट प्रॉफिट है एक लाख पच्चीस हज़ार ये हो गया पंद्रह दस पच्चीस हजार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है छह चार दस हजार अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभय है उसको मिलेगा दस परसेंट ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट तो एक काम करो 1, है, 1, है 25 दो, 1, में से पच्चीस हजार घटा दो तो बनेगा एक लाख दस हजार इंटू दस बाई दस करो इसका इंटू दस बाई एक सौ दस दस हजार कमीशन आ गया तो एक लाख रुपए क्लास चला जाएगा फिफ्टीन क्वेश्चन में ए ऑप्शन एक लाख एक दस था दस हटा दिया आपने तो आप इनको एक पैंतीस में से घटाओ तो एक लाख रुपए अकाउंट में चला जाएगा ठीक है तो फिफ्टीन क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है वो द फॉलोइंग आर इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो देखो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में जो नए हैं वो छोड़ दो लिक्विडी आपको पता है प्रॉफिट पता है सोलवेंसी पता है तो बचा क्या है क्लास दूसरा तीसरा और पांचवा ये आपने पढ़ा ही नहीं है पहला ऑप्शन दूसरा तीसरा पांचवा क्योंकि ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है और फिर जाके मॉडर्न क्लासिफिकेशन आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जीपी रेशियो वो सब क्लास आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन आता है नेक्स्ट है 17 असर्शन कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शो इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो पार्टनर्स को कमीशन दिया जाता है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर आता है ठीक है तो यार गलत है पार्टनर वाला नहीं आता ना फॉर्म वा, मैनेजर वाला आता है कमीशन प्रोवाइड तो टू चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों ही गलत स्टेटमेंट है साफ सी ऑप्शन करेक्ट है बोथ ए एंड आर आर इन दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एज पर टेबल एफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है दस परसेंट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है बारह परसेंट तो कॉल्स इन एरियर क्लास कितना है यहाँ पे दस परसेंट एक बात ध्यान रखना जो इन कॉल्सिन एरियर होता है ना उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है सिर्फ आपको परसेंटेज जाना टेबल एफ के अकॉर्डिंग एरियर दस तुम गलती करोगे तुमसे कंपनी दस परसेंट लेगी और अगर तुम एडवांस दे दोगे कंपनी तुमसे बारह तुमको बारह परसेंट देगी तो कंपनी तुम्हें फायदा पहुंचाती है रिस्क कौन मेजर करता है क्लास रिस्क देखो रिस्क तो सॉल्वेंसी करता ही है तो सॉल्वेंसी तो है जो रिस्क को मेजर करेगा वो सॉलवेंसी है तो सॉल्वेंसी करेक्ट है इसके अलावा ये लॉन्ग टर्म सोलवेंसी लिक्विड शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी है तो लिक्विडिटी और ये हो गया ये भी रिस्क को मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी आपका कॉस्ट रेशियो जो है वो शॉर्ट टर्म एबीसी तीन पार्टनर की शीट इतनी है फिर रेशियो चेंज हो गया एक्सेट ऑफ बैलेंस में टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सर्टन अमाउंट ऑफ क्लेम वॉज रिटर फॉर विच शेयर ऑफ लॉस पांच हजार अगर बी का लॉस पांच हजार है तो बी का हिस्सा कितना है क्लास चार तीन सात दो नौ थ्री बाई नाइन तो ये हो जाएगा नाइन बाई थ्री थ्री वन जो थ्री 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 जे नाइन ये आ गया क्लास कितना पंद्रह हजार राइट ये आगे क्लास आपका कितना फिफ्टीन थाउजेंड तो पूरे बिजनेस का लॉस जो है वो पंद्रह हजार है इसका मतलब पैंसठ हजार का था क्लेम अगर हो जाए पैंसठ प्लस पंद्रह साठ सत्तर अस्सी अगर क्लेम अस्सी हज़ार का हो जाए तभी तो लॉस पैंसठ का आएगा फिर उसका हिस्सा पाँच आएगा क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल द क्लेम कितना था तो क्लेम अस्सी हजार का था ट्वेंटी क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट है क्लास ट्वेंटी वन वन गुड इज नॉट परचेज गुडविल अगर गुडविल परचेज गुडविल नहीं है तो इट इज नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट अगर गुडविल गुड गुडविल है तो आपको क्लास अगर आपने खरीदा है परचेज गुडविल है अगर आपने खरीदा है इसको परचेज गुडविल है तो ऑब्वियसली क्लास आप उसको बैलेंस शीट में दिखाओगे लेकिन अगर नॉट परचेज गुडविल है आपने खरीदा नहीं है तो कहीं दिखाओगे ही नहीं पार्टनर टू कैरी आउटल थाउजेंड इनक्लूडिंग एक्सपेंस हमने उसे पूरा पांच हजार रुपये दिया इसकी एंट्री बता देता हूँ तुमको रिलायन टू परम पूरा का पूरा बोला भैया पांच हज़ार ले तेरे सारे खर्चे मिला के और रिलायेशन एक्सपेंस पच्चीस सौ रुपए का है रिलायशन अकाउंट विल भी डेबिडेड बाई सोच समझ के क्लास बताओ रिलायशन अकाउंट किससे डेब हमें तो पांच हजार रुपये दे रहेपेंस तो कितना है क्लास आपका फाइव थाउजेंड वो खुद झेलेगा मतलब है ये जो रिलाजेशन एक्सपेंस पच्चीस सौ रुपए का है ये खुद झेलेगा भैया हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है लेकिन हाँ ऐसा कर सकते हैं हम लोग एक चीज और भी है यहाँ पे एक ओपिनियन और भी हो सकता है तो मुझे जरा कॉमेंट सेक्शन में मैं इसका आंसर जानना चाहूंगा आप लोगों से ये ना दो ओपिनियन में आंसर है वैसे देखा जाए ना फर्म डिजोल्व हो गया परम को बोला गया भाई तू सारा का सारा खर्चा देखना और तेरे को पाँच हजार कमीशन मिला इंक्लूडिंग एक्सपेंस तो ये जो खर्चा है हम ये अज्यूम करते हैं क्लास ये उसका है तो जब तक क्वेश्चन क्लियरली नहीं कहता इसे फॉर्म पे कर रहा है तो हम मानेंगे उसका खर्चा है तो वही पे करेगा इसीलिए जो एंट्री हुई वो होगी रिलान अकाउंट डेबिट टू परम कैपल्ट पांच हजार पांच हजार लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये अज्यूम कर लिया कि जो पांच हजार है सर इस पर कुछ लिखा नहीं है तो इसे फॉर्म ने पे किया है तो उस सिचुएशन में अगर फॉर्म ने पे किया है तो आप एंट्री पता है क्या पास करोगे तो एंट्री पास करोगे परम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश पच्चीस तो अगर आप दो में से कोई भी एक्सम्शन लेते हो तो रियलाइजेशन तो पांच से डेबिट होगा

डिविडेंड प्रपोज दे रखा है पिछले साल का ही हमें लेना है दो साल का देखा फाइंड आउट गा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सुनो ये आ गया सी एफ एफ ए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे पहला बैंक लोन पहले एक लाख का था तो रिपेड बैंक लोन माइनस हो जाएगा है ना रिपेड बैंक लोन माइनस हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल रेस तीन लाख प्लस का हो गया टेन परसेंट बैंक लोन रिपेड इंटरेस्ट तो कुछ लगेगा ही नहीं डिविडेंड रिसीव इससे हमें मतलब नहीं है क्लास प्रपोज डिविडेंड में पिछले साल का जो है ना जो पिछले साल का है

कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म पाँच लाख नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो दस परसेंट है एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म जो है वो सिक्सटी फोर थाउजेंड है आफ्टर एबनॉमल लॉस ऑफ फोर थाउजेंड ध्यान रखना एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देंगे तो ये सिक्सटी एट थाउजेंड है एक्चुअली में ठीक है क्वेश्चन पूछ रहा है गुडविल फोर ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट इन टू फोर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा एवरेज माइनस नॉर्मल तो एवरेज प्रॉफिट कितना है क्लास यहाँ पे सिक्सटी एट थाउजेंड नॉर्मल प्रॉफिट है कैपल इंप्लॉय रेटो में हंड्रेड तो योग क्लास पचास हज़ार सिक्सटी एट माइनस फिफ्टी 68,000 एट थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड एटीन थाउजेंड एटीन अठारह चौके बहत्तर तो ए ऑप्शन करेक्ट है ट्वेंटी का 25. नव्या राधे दो पार्टनर से रेशियो थ्री रेशियो वन श्रेया को एडमिट किया वन फिफ्थ शेयर के लिए श्रेया गुडविल लेकर नहीं आ रही है और गुड की एंट्री पास किए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये न्यू करंट टू ओल्ड कैपिटल तो ये है सेक्रीफाइजिंग रेशियो आपका वन रेशियो टू यानी कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो अपना हिस्सा वन रेशियो टू में ले रहा है रिमेनिंग पार्टनर से तो नई रेशियो आपको निकालनी है ठीक है तो ये आ रहा है क्लास कितना वन बाई के लिए तो वन बाई फाइव के लिए आ रहा है तो हम इसको कैसे करेंगे by के लिए आ रहा है 41, 7, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो जो भी नया पार्टनर है ठीक है कितना है क्लास वन बाई नया पार्टनर वन बाई फाइव उसके दो हिस्से कर दो वन बाई फाइव का वन बाई थर्ड वन बाई फाइव का वन बाई फाइव का टू बाई थर्ड वन बाई फिफ्टीन टू बाई फिफ्टीन उसके पास था कितना क्लास थ्री बाई फोर माइनस करो वन बाई फिफ्टीन फिर था वन बाई फोर माइनस करो टू बाई फिफ्टीन पंद्रह चौके साठ पंद्रह तीय पैंतालीस माइनस चार फोर्टी वन जहां फोर्टी वन देखे वहां यहां टेक कर देना ट्वेंटी फाइव का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है एक एक मिनट का सवाल है कुछ भी नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो हाँ आपने पढ़ाई नहीं है कुछ भी चैप्टर ही नहीं आता आपको आप रेंडमली एमसी बनाने जा रहे हो फिर अटकोगे बहुत सारे सवालों में और टाइम भी लगेगा स्ट्रेस भी आएगा

द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो आफ्टर टैक्स अगर एक लाख बीस हजार दे रखा है बहुत प्यारा क्वेश्चन है तीन नंबर में भी आ जाता है टैक्स के बाद है है ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है एक लाख बीस हजार तो अब टैक्स का जो तो ये जो अमाउंट बचता है वो कितना बचेगा एक लाख बीस हजार नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मतलब पी माइनस इंटरेस्ट फिर माइनस टैक्स होता है तो आफ्टर टैक्स दे रखा है एक लाख बीस और टैक्स है फोर्टी तो ये सिक्सटी बचेगा फिर तो इससे टैक्स का अमाउंट निकल आएगा एक लाख बीस हजार डिवाइड बाई सिक्सटी इंटू फोर्टी तो अस्सी हजार रुपये आपका क्लास टैक्स का अमाउंट निकल आया तो जो टैक्स का अमाउंट निकल आया है वो कितना क्लास आया अस्सी हजार रुपये टैक्स का अमाउंट निकल आया कैपिटल इंप्लॉयड जो है वो कितना है क्लास सोलह लाख और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल भी तो आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे कैपिटल इंप्लॉयड सोलह लाख है प्रॉफिट बिफोर इंस्टेंट टैक्स आपको दे रखा है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है एक लाख बीस हजार उसमें टैक्स ऐड करेंगे प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे दो लाख का दस परसेंट बीस हजार तो ऊपर जो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया वन ट्वेंटी प्लस एट्टी प्लस ट्वेंटी थाउजेंड यह आ गया दो लाख बीस हजार अपॉन एक लाख साठ हजार नहीं सोलह लाख डिवाइड बाई सोलह लाख इंटू हंड्रेड थर्टीन यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है समझ रफ कैलकुलेशन करनी है बस अब किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताना कॉमेंट में एस एंड टी वर रेशियो थ्री रेशियो टू है उन्होंने यू को एडमिट किया न्यू पार्टनर सात हजार है टोटल अमाउंट और क्रेडिटेड टू री वैल्युए सुनो मेरी बात आपने पहले से बना रखा है चार हजार सात हजार का नुकसान जो हुआ है क्लस तीन हजार हुआ राइट ऑफ थ्री थाउजेंड एंड बैड डेट एक्सिडेड प्रोविजन फॉर बैड एंड आउटलेट सात हजार है पहले से उन्होंने सात हजार का प्रोविजन बना रखा है और तीन हजार रुपए राइट ऑफ हो गया एज अ बैड डेट तो तीन हजार रुपए क्लास आपका नुकसान हो गया एंड द रिमेनिंग डेटर्स वर डेटर्सिडर एज गुड तो रिमेनिंग डेटर बहुत अच्छे हैं मतलब बाकी जो डेटर्स है ना क्लास उनसे कुछ भी अमाउंट जो है वो डूबेगा नहीं रिमेनिंग डेटर जो है वो क्लास बहुत अच्छा है तो इसका मतलब जो पहले से आपने प्रोविजन बना रखा है उसे आप रिवर्स करोगे तो रिवर्स कितना करोगे क्लास चार हजार रुपए क्रेडिट साइड आप रिवर्स कर दोगे तो देखो क्लास क्रेडिट फोर थाउजेंड दे रखा है कहीं पे क्रेडिट फोर् तो तीन हजार रुपये डूब गया वो तो ठीक है वो इसी में से रिकवर हो जाएगा आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी ना ये तब लिखते जब ये नहीं होता तो भाई रीवल्यूशन का ट्रीटमेंट पता है ना आपको तीन हजार रुपये डूब गया लेकिन ये तब लिखते जब ये नहीं है अभी सात हजार पहले से आपने प्रोविंग सात हजार तक डूबेगा तो भी रिवॉल्यूशन में कुछ नहीं आएगा तो चार हजार फालतू ये तो वो क्रेडिट साइड आएगा यहाँ पे क्रेडिट ए बी पार्टनर से इनकी रेशियो फाइव और ऑन एडमिशन सी ब्रिंग सेवेंटी थाउजेंड कैश एंड फोर्टी थ्री थाउजेंड गुडविल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी इतना दी सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ ए बी यार वो कितना कुछ ला रहा है इस बात से कुछ मतलब नहीं है सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू और जो है ए बी एन सी तो यहाँ पे ए बी सी ए बी सात सात पाँच बारह चार सोलह है ना तो माइनस करोगे सेवन अपॉन सिक्सटीन फाइव अपॉन सिक्सटीन ये हो गया सिक्सटीन एट टू जो सिक्सटीन टू फाइव जो टेन माइनस सेवन थ्री बाई सिक्सटीन ये बी सिक्सटीन एट टू जो सिक्सटीन सिक्स माइनस फाइव वन बाई सिक्सटीन थ्री रेशियो वन तो क्लास ए ऑप्शन करेक्ट है थर्टी का ठीक है थर्टी वन वेन गुड विल एक्जिस्टिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल इंडिया तो गुडविल अगर क्लास एक्सिस्टिंग बुक्स में ही राइट ऑफ होगा तो राइट ऑफ किस में होल्ड रेशो थर्टी वन का एक्स वाई पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है थ्री रेशियो टू कैपिटल का पचास हजार का जेड एडमिट हुआ कैपिटल विल बी अब ये जो क्वेश्चन है ना क्लास एक तरीके से हो सकता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करोगे पूरे फॉर्म की प्रॉफिट है one, one में से बचेगा किसका है है क्लास और y का ठीक है? आ, आगे लिखा था अमाउंट ऑफ जेड कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल जेड कितनी कैपिटल लेके आएगा एक लाख प्लस पचास हजार ये हो गया क्लास आपका डेढ़ लाख ठीक है ये कितना हो गया दोनों ही कैपिटल डेढ़ लाख है दोनों का शेयर इतना उल्टा कर दो ये हो पूरे फॉर्म कैपिटल फिर उसका हिस्सा निकाल दो वन बाई फाइव

बिफोर लॉस है सौ रुपए का और जो इंटरेस्टल लोन है वो लॉस को बढ़ाएगा तो एक जनवरी को दोनों ने दिया है तो बीस दस कितना हो गया तीस हजार तीस हजार का छह परसेंट अठारह सौ रुपए बनेगा जनवरी बाईस से इकतीस मार्च तो जनवरी फरवरी मार्च जनवरी फरवरी मार्च तीन महीने काम किया है थ्री बाई ट्वेल्व ये इंटरेस्ट आ गया चार सौ पचास तो ढाई सौ पच्चीस सौ प्लस चार सौ पचास उनतीस पचास का क्या हो गया लॉस हो गया उनतीस सौ पचास रुपये का लॉस हो गया अब हम क्लास बांटेंगे इसमें लिखा है इफ़ द लॉस बिफोर इतना दे रखा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस हर किसी का लॉस कितना होगा टू बाई थ्री इंटू टू डिवाइड बाई थ्री वन नाइन सिक्स सेवन एक काम करो साढ़े चार सौ में किस किस का कितना है वो देख लो बीस हज़ार का छः परसेंट डिवाइड बारह इंटू तीन एक का तीन सौ है और दूसरे का डेढ़ सौ है पे कैपिटल देर का 5 लाख एक जनवरी 22 को सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन था इतना इतना डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ तो लॉस टू तो बी बोर्न बाय ईच पार्टनर और इफ लॉस बिफोर इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट है क्लास और लॉस ऑब्वियसली क्लास लॉस को बढ़ाएगा इंटरेस्ट कैपिटल 2950 है इनकी रेशियो बनेगी 2950 2950 2950 इन 2 3 टू बाई फाइव इंटू टू बाई फाइव या आ गया ग्यारह अस्सी अच्छा उल्टा कर दिया था क्या उनतीस सौ पचास इंटू थ्री बाई फाइव सत्रह सत्तर तो ग्यारह अस्सी यह रहना क्लास डी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट थर्टी फोर डिविडेंट पेड बाई फाइनेंशियल इंटरप्राइज देखो फाइनेंशियल इंटरप्राइज हो चाहे कैसी भी इंटरप्राइज हो डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है डिविडेंट पेड इकलौता ऐसा कॉम्पोनेंट है क्लास जो फाइनेंसिंग इंटरप्राइज के मतलब कोई भी इंटरप्राइज हो वो

साइड डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट ये ठीक है लेकिन ये क्रेडिट साइड ऑफ पिन ये तो गलत लिखा है ना कैपिटल ना क्रेडिट साइड आता sorry, है सॉरी क्रेडिट साइड ये ठीक है क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल तो आएगा नहीं लेकिन ये गलत है ना डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट नहीं होगा डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रेशन अकाउंट आई होप क्लास की टाइपिंग मिस्टेक है मैं इसे ठीक करवा के आपको दूंगा टाइपिंग मिस्टेक डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोपरिएशन अकाउंट होगा ना कि डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट तो ये मैं ठीक कर दूंगा अप्रोप्रेशन अकाउंट का डेबिट साइड और करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड क्योंकि मेथड क्या है क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मैथड फिक्सड है तो इसका देख लेना क्लास सी ऑप्शन गंगा जमुना पार्टनर से रेशियो गुडविल एंड सी अग्री टू कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिल्म हाउ मच कैपिटल ब्रॉड बाई सरस्वती बहुत ध्यान से समझना इसकी कैपिटल है एक लाख दो हजार दूसरे की है तिहत्तर हजार सरस्वती पच्चीस हजार गुडविल लाएगी तो ऑब्वियसली वो दोनों में बढ़ जाएगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिला के और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है तो जो कंबाइन कैपिटल निकल कर आएगी वो आएगी वो दो लाख रुपए जो कंबाइन कैपिटल है दो लाख रुपए इंटू कर दो फाइव बाई फोर फिर उसका कर दो हिस्सा वन बाई तो यहाँ पे पचास हजार रुपए कैपिटल बनती है सी ऑप्शन करेक्ट है थर्टी सिक्स क्वेश्चन का ठीक है बताओ तो इसमें अब ये क्यों एड करा क्योंकि भैया जो जो वो है ना प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैपिटल में ऐड होता है और ये एडजस्टेड कैपिटल होती है अभी रिवॉल्यूशन गेन दिया ऐड हो तो करता, करता होता तो एल दिया होता है तो डेबिट बैलेंस वो माइनस करता तो जो जो बांटने वाले आइटम है जो बढ़ाते हैं कैपिटल है, सारा आइटम माइनस होगा थर्टी सिक्स

नहीं सात सात मैं तिरसठ सात इक्की सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पूछा है सिंपल सी बात है जो तो नया पार्टनर आ रहा है वन बाई फाइव उसके हिस्से के दो पोर्शन कर दो नौ तीन बारह नाइन बाई ट्वेल्व वन बाई फाइव का थ्री बाई ट्वेल्व इतना ले लेगा ले क्लास किस से इतना ले लेगा पी से इतना ले लेगा एस से ये कौन है ऑब्वियसली आ रही होगा तो ये आएगा नौ अपॉन साठ आएगा तीन अपॉन साठ तो पहले पी का कितना था क्लास थ्री बाई फाइव एस का कितना था टू बाई फाइव माइनस कर दोगे नाइन बाई सिक्सटी माइनस कर दोगे थ्री बाई सिक्सटी आएगा सिक्सटी पाँच पाँच ये पंद्रह में से नौ गया आएगा सिक्स ओपॉइंट सिक्सटी ये भी सिक्सटी आएगा और ये कितना क्लास आएगा नहीं नहीं कैसे कर दिया मैंने पाँच है ना तो ये कितना आएगा बारह पच्चीस साठ छत्तीस छत्तीस से नौ जाएगा थर्टी सिक्स से नौ जाएगा तो कितना आएगा ट्वेंटी सेवन न ट्वेंटी सेवन चलो कोई बात नहीं लिख लेते हैं एक का ट्वेंटी सेवन आ गया और यहाँ पे कितना आएगा बारह 24 माइनस 21 60, 21 और नया पार्टनर का है 1 बाई 5, करने के लिए ताकि सबके नीचे आ जाए चार, तीन से डिवाइड दोगे तीन सत्ताईस तीन सत्तर इक्कीस तीन चौके बारह नौ सात अच्छा, चार बी ऑप्शन करेक्ट है थर्टी सेवन क्वेश्चन का ठीक है थर्टी सेवन का बी ऑप्शन करेक्ट है नाउ नेक्स्ट है क्लास थर्टी एट ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट टू मशीनरी इतना डेटर इतना मशीन इतना. वैल्यू एक लाख चालीस हजार तो अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करूँ मशीन एक लाख चालीस हजार की होगी पहले कितने थी थी की थी मशीन दो लाख की साठ हजार का नुकसान हो गया अगले लिखा प्रोविजन फॉर आउटलेट पांच परसेंट है एक लाख साठ हजार का दस परसेंट सोलह हजार पांच परसेंट कितना बनेगा आठ हजार

अठारह तो हजार रुपए का स्टॉक जो है वो बढ़ चुका है स्टॉक पहले कितने था? 80 का था तो हजार का, बढ़ गया, तो हो गया? 98 का। करेक्ट था उसका। तो ट्रेस्ट ट्रेस्ट आउट कैश। पैसा नहीं जा रहा है। तो पैसा आएगा अच्छा कौन सा नॉट रिजल्ट इन टू फ्लो ऑफ कैश अच्छा इन फ्लो नहीं बोला फ्लो नहीं होगा इसे तो फ्लो होगा कैश डिपोजिट देखो पैसा आप बैंक में जमा करो ध्यान सुनना पैसा बैंक में जमा करो पैसा बैंक से निकालो डिबेंचर्स को आ, क्लास इशू करो बदले में आपने मशीन खरीदी बिल्डिंग खरीदी उसके बदले आपने तो जहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता वो यही ट्रांजेक्शन है आपने या तो क्लास कंपनी से लोन ले लिया आ, मतलब लोन पे आपने कोई मशीन खरीद ली या डिबेंचर्स आपने इशू करके मशीन खरीद ली ये सब नो फ्लो ऑफ कैश है जमा किया निकाला ये भी नो फ्लो है ठीक है इसका एक क्लास यहाँ पे निधि कुनाल पार्टनर्स हैं और निधि कुनाल कबीर तीन पार्टनर्स है टू बाई फाइव वन बाई फाइव वन बाई फाइव रेशियो है कुनाल रिटायर एंड द बैलेंस इन इस कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट रिजर्व रिवालूशन रीअसेसमेंट अस्सी हजार निधि एंड कपूर अगर ए, एक लाख रुपए दे रहे हैं तो भाई बीस हिडन गुडविल है ठीक है द गुडविल ऑफ द फर्म कुनाल शेयर तो कनाल का कुनाल का ही हिस्सा कितना है क्लास यहाँ पे बीस तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है तो देखो हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को कवर करा दूं हर एक तरीके के क्वेश्चन जितने भी तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं तो ये क्लास आप कवर करा दूं आज हमने 40 ही क्वेश्चन करा है इन 40 के 40 क्वेश्चन को परफेक्ट तरीके से बनाओ कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ आपको अगली क्लास कल हम एक काम करते हैं कल सुबह मुझे बताना नौ बजे डाल दूँ एक वीडियो और डाल दूंगा सुबह नौ बजे तीस क्वेश्चन की और सत्तर क्वेश्चन फिर कल शाम को एक और डाल दूंगा सौ क्वेश्चन ठीक है इसके अलावा शेयर्स का शॉर्टकट अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना मैं शॉर्टकट ट्रिक की भी वीडियो डाल दूंगा एक उसमें बीस क्वेश्चन ले लूँगा शॉर्टकट ट्रिक की वीडियो हो जाएगी दिन में मुझे बताना अगर डालना होगा तो तो हमारे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे विच इज मोर देन इनफ हमारा आराम से सारा कैलकुलेशन बन जाएगा शॉर्टकट भी गया शेयर्स के क्वेश्चन अभी शेयर के क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे इस अब शेयर से क्वेश्चन आगे धीरे धीरे और आएंगे अभी बहुत सारे चैप्टर क्वेश्चन बनने बाकी हैं हंड्रेड के हंड्रेड क्वेश्चन तो सब कुछ आएगा तो इनको अच्छे से बना लेना क्लास कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में तो टेक के बाय बाय अच्छा लगे तो मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में लाइक करना वीडियो को, और मॉक टेस्ट कहां तक बनाया मुझे ये बताना एस पी सी से आप पे, जो है ठीक है चलो टेक केयर बाय